हे दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, दुआ सलाम। देखिए दोस्तों, हम आपको आज घर पे पिज्जा बनाना सिखाते हैं। तो पिज्जा जा रहा, आज सिखा नहीं रहे हैं, हम बना रहे हैं, वही आपको दिखा रहे हैं बस, क्योंकि आप लोग, हम सब कुछ अपना शेयर करते हैं तो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, हम लोग पिज्जा का ये मंगाए हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, रोटी, बेस। अच्छा रोटी बेस जो भी बोलते हैं। हमने चार मंगाया है, देखिए, एक दो इसमें है और एक दो दो इसमें ये है। थोड़े तो बड़े हैं उसके ये बड़े लिए। वाले हैं और ये छोटे वाले हैं। तो हम लोग के पास बस ये है, लेकिन और कुछ भी नहीं है। मतलब वो चिली, वो जो टमाटो, इस पे जो चटनी सॉस पिज़्ज़ा लगाते हैं, सॉस पिज्जा सॉस, वो नहीं है। तो हम लोग घर पे देखिए कैसे बनाते हैं पिज्जा सॉस, आपको दिखाते हैं। और मोजरेला चीज़ भी नहीं है, अब मोजरेला चीज भी नहीं, हम लोग के पास ये वाली चीज स्लाइस है, है। तो ऐसी वाली चीज है। तो इसे देखिए आपको बताते हैं कि कैसे बनाते हैं दोस्तों। आप देखिए, इसको खोलो, ये है हमारे पास टमाटो केचप है दोस्तों, देख लीजिए। ये इसमें हम लोग डाल रहे हैं, ये देखिए, इसमें टमाटो केचप डाल दिए, ठीक है। और इसमें दो लहसुन की कलियां डाल देंगे, दो दो लहसुन लहसुन की कलियां, और थोड़ा सा हम लोग ने, दो इधर दो, दिखा दोस्तों को, ये चिली देखिए दोस्तों, फ्लेक्स, ये चिली फ्लेक्स है, बनाए हैं हम लोग कूट के घर पे। तो थोड़ा लाल चिली मिर्च फ्लेक्स, लाल मिर्च को पीस के कूट बना लिया, कूट वही के, चिली फ्लेक्स होता है, वही बना लिए हैं। रुकिए, अब दिखाते हैं इसमें डाल के, एक चम्मच दो। तो देखिए दोस्तों, जो लहसुन की कलियां दिखाए थे वो देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग काट लिए हैं और ये इसमें डाल देंगे। इसमें जो जो टमाटो केचप है उसमें डाल देंगे, देखिए, डाल देंगे, एक चम्मच दो। जल्दी। फिर देखिए, ये जो है चिली फ्लेक्स जो है, ये चिली फ्लेक्स इसमें डाल देंगे, टमाटो और जो टमाटर वाला वो केचप, अरे जो है उसमें डाल के बन गया। ये चिली फ्लेक्स देखिए बन गया दोस्तों। तो इसमें टमाटो केचप हटा लो, देखिए दोस्तों, हटो, टॉर्च, ये देखिए दोस्तों, लहसुन, चिली फ्लेक्स, टमाटो केचप, ये बन गया हमारा चिली फ्लेक्स, मिक्स देखते कर हो, दिया हम लोग इसको। सब मिक्स कर दिए। बस चिली फ्लेक्स यही होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अब चीज को, यहाँ पे चीज के प्लास्टिक को अभी काटते इसको हैं। प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे सब कुछ हमने देखिए, यहाँ प्याज हाँ, भी हम काटा है अभी। देखिए प्याज काटा है और ये टमाटर है। दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग ये सब बेस से उसको फाड़ रहे हैं। और उधर देखिए, हमने सब्जी सारी तैयार कर ली है। देखिए इसमें हम हर तरह की सब्जी है, और यहाँ पे देखिए बेस हमारा। ये देखिए बेस है हमारा, इसमें पूरा डॉट डॉट है, इसमें दिखा दो दोस्तों को, इधर से भी डॉट डॉट है पूरा इसमें। ये ना डॉट डॉट इसलिए दोस्तों क्योंकि ताकि फ्लफी इससे, बन सके हाँ, थोड़ा, बढ़िया बन सके। ये ताकि देखिए, इससे फूल जाएगा ना, इससे हाँ, हवा पास होगी और जो उसमें। हम तो लोग आपको वो चटनी अभी बना देखिए, बताए थे, ये इसका चटनी अब हम इसको लगाएंगे। जो टमाटो पिज्जा सॉस होता है, ये देखिए, इस पे हम लोग लगाएंगे। अभी तो आज एक ही, हम भी दोस्तों देखिए पहली बार बनाने जा रहे हैं, तो इसलिए हम क्या, अपने दोस्तों को तो शेयर करना बनता है कि भाई। हम लोग पहली बार कुछ करेंगे तो अपने दोस्तों को भी दिखाएं। हाँ, ये देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, ये टमाटो केचप वाला जो ये है नहीं तो मीठा लग रहे हैं। मीठा लगता है, ये तो उतना नहीं डालने की ज़रूरत है। ये देखिए हो गया इस पे। अब जो है दोस्तों, हम लोग के पास चीज़ नहीं है दोस्तों, मोज़रेला मोजरेला वाली चीज़ नहीं है, तो ये वाली चीज़ है जो मतलब ऐसे आती है। तो इसको साइज क्या वाली है। करेंगे, इस पे ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे थोड़ा इसको करके, तोड़ तोड़ के, हाँ, ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे पूरा डाल दिए इसको। तो ये थोड़ा वही चीज़ एक ही होती है, चाहे दूध खाओ, पनीर खाओ, सूखा, वही टेस्ट ऐसी होती है, चाहे इसको अगर मतलब वो करके ग्रेट डालते, करके। ग्रेट करके, तो भी ऐसे ही रहता है। अब ये थोड़ा चीजी और बन, हमको चीजी बहुत पसंद है दोस्तों। अब देखिए इसमें दोस्तों, ये प्याज है, प्याज हम लोग दिखाओ इधर दोस्तों को, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च काटे हैं, फिलहाल हम लोग के पास इतना ही है, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं दोस्तों ना, तो इतना नहीं, मतलब हम यहाँ लोग पे के वैसे पास भी इतना सामान नहीं नहीं मिलता। मिल पाता है, तो जो अवेलेबल है उसी से बना रहे हैं। और ये शिमला मिर्च देखिए है, शिमला मिर्च दोस्तों जरूर डालिएगा, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, देख लीजिए दोस्तों। देखिए टमाटर है इसमें थोड़ा, और हम लोग गांव के हैं, तो थोड़ा इसमें तो कुछ देसी डालना पनीर चाहिए। डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि बिना पनीर के हम लोग का नहीं बनेगा।
तो ये पनीर देखिए दोस्तों, ये भी मंगाए थे। पनीर अच्छी लगती है हर चीज में थोड़ा, इसको इतना काट लेते हैं हम लोग। देख लीजिए दोस्तों, ये पनीर का ऐसे लंबा लंबा इसमें डाल देंगे ताकि ये मुंह में जब जाएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। इस पर सब सजा दीजिए इस पर। और दोस्तों देखिए, एक चीज बताना आपको था कि पहले आप उसके ये सब रेडी कर रहे हैं, तब तक आप जो है थोड़ा सा कढ़ाई में नमक डाल लीजिए। हाँ, फ्लेम थोड़ी कम, फ्लेम एकदम लो कर लीजिए। और फिर इस पे फिर जो ये कढ़ाई में नमक हम लोग डाले हैं दोस्तों, ये देखिए 10 मिनट हो गया। तो ये 10 मिनट पहले इसे बनाने के पहले इसको हम लोग इसमें रख लिए थे गरम। ये नमक बाद में आप लोग यूज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। अब इसमें दोस्तों ये इसको देखिए, एक कोई ऐसे बर्तन रख लेंगे, कोई कटोरी हो कुछ भी हो आप लोग रख लीजिए। अब उसके बाद दोस्तों जो ये हम लोग का देखिए पिज्जा का ये बना है, इसको अब हम लोग दोस्तों देखिए इसमें डालें, इस पे रखेंगे। हाँ, अरे दिखाओ इसको दोस्तों को, इस पे हम लोग इसको रख दिए दोस्तों। अब इसको रखने के बाद हम लोग इसको 20 मिनट के लिए रख देंगे, एकदम स्लो गैस का फ्लेम करके इसको हम लोग ऐसे ढक देंगे। देखिए, देख लीजिए दोस्तों, अभी बन रहा है, अभी 20 मिनट हमारा नहीं हुआ है, अभी 20 मिनट में ये हो जाएगा। तो दिखा ले इसको थोड़ा लोढ़ा से या किसी वेटेड चीज से इसको हम लोग ऐसे दबा देंगे ना, अच्छे से होगा। ये हो रहा है, अभी दिखाते हैं आपको 20 मिनट में। दोस्तों देख सकते हैं हमारा पिज्जा जो है अब रेडी हो गया है एकदम बढ़िया से। ये देखिए, देखिए इसके नीचे भी ये देखिए पूरा ब्राउन हो गया है दोस्तों। बहुत बढ़िया हमारे पिज्जा का वो आया है। अब हम लोग गैस बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं इसको ऐसे। और फिर दोस्तों अब इसको हम लोग काटेंगे ऐसे। अगर कैंची है आप लोग के पास तो कैंची से भी काट सकते हैं। ये आपको दिखाते हैं दोस्तों, दोस्तों ये देख सकते हैं कि कितना यम्मी पिज्जा बना है लोग। ये देखिए खा रहा है बाबू मेरा, दिखाओ इसको। देखिए ये कितना फ्लफी और कितना टेस्टी बना है, एकदम घर की तरह। तो दोस्तों जैसे बताई हूँ, अगर आप लोग ऐसे ही ना, तो हमारे पास ओरियो ने और क्या क्या होता है सब ना, तो बहुत तरह का होता है, तो वो नहीं था, तो हम लोग बनाए ऐसे। और बहुत टेस्टी, देखिए पूरा चीज़ वीज नहीं, मोजरेला चीज़ इसमें चाहिए ना कुछ भी नहीं है। अगर डो, अगर ये डो बनाना भी हम आपको बता देंगे कि ये डो कैसे बनता है। तो दोस्तों एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे मुझे आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तों। और कैसा बना है? बहुत बढ़िया, देख लीजिए खा रहा है। अरे दोस्तों ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते दोस्तों, बाय।